सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं और मैं अभी शूट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी पर एक मैं अपनी चार्ट रीडिंग की स्टडी देने वाला हूँ, तो शुरू करते हैं। तो देखो ट्रेडर्स, मैं मतलब जो भी चीज़ें बताऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। तो स्टॉक मार्केट में कोई सही भी हो सकता है, कोई गलत भी हो सकता है, कोई हमेशा सही हो सकता है, कोई हमेशा गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए। तो मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ थी, मैंने जो है देखा बैंक निफ्टी आज इतना नीचे गया है, तो मार्केट में कोई ना कोई न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट निफ्टी इतना नीचे गिर गया है, बैंक निफ्टी इतना नीचे गिर गया। सो हम लोग इसको ट्रैक कैसे कर सकते थे? पहला जो आप देखो, पहला जो मैंने ग्रीन ट्रेंड लाइन बनाई है, कितना परफेक्ट ब्रेकआउट था, कितना परफेक्ट ब्रेकआउट। ग्रीन लाइन आपको दिख रहा होगा, उसके बाद ब्लू लाइन, मैं आपको पुराना दिखा देता हूँ, ये कल से मैंने बनाया हुआ है। ये देखिए, ये 23 का ट्रेंड लाइन है, मैंने यहाँ से ड्रॉ किया। और पहला जो है जो ब्रेकआउट था पहले ग्रीन कैंडल का, वो आया अप्रॉक्स 10:30 और 10:35। अगर जैसे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा टचेस होने चाहिए। ये मैटर नहीं करता आप वीक टू वीक करते हैं, बॉडी टू बॉडी करते हैं, बस ये मतलब ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टचेस होने चाहिए और ट्रेंड लाइन ज़्यादा से ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। ये नहीं कि छोटी सी ट्रेंड लाइन बना दी बस काम ख़त्म। वो ट्रेंड चलता है तो पूरा एक साथ चलता है, मतलब कम से कम उसमें फाइव कैंडल या सिक्स पुरानी 50 कैंडल जितनी कैंडल हैं कम से कम उनमें से कुछ टच होनी चाहिए, कुछ अभी की टच होनी चाहिए, कुछ कल की टच होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन खींचने का बढ़िया तरीका है। आप मेरा वीडियो देख करके सीख सकते हो कि ट्रेंड लाइन कैसे खींचा जाती है, मैंने भी सीखा है, आप भी सीख सकते हो। और आज बहुत बढ़िया ब्रेकआउट था, बैंक निफ्टी ने दो ब्रेकआउट दिए, एक 10:35 पर, क्या बढ़िया ब्रेकआउट था, और बिल्कुल एकदम करेक्ट जहां पर हमने दूसरी ट्रेंड लाइन खींची है, बिल्कुल वहीं पर अगर हम टारगेट लगा के सेट अपना बैठे होते हैं तो यार इतना प्रॉफिट लेने में क्या जाता है। उसके बाद जब सेकेंड ट्रेंड लाइन को तोड़ा इसने, ये फर्स्ट टाइम कभी नहीं तोड़ता। ये बैंक निफ्टी जब जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, जो ऊपर वाला फर्स्ट सपोर्ट है वो थोड़ा वीक सपोर्ट है, नीचे वाला थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ा, फिर ऊपर गया, रिट्रेस किया, सपोर्ट लिया, फिर रिट्रेस किया, सपोर्ट लिया, और सपोर्ट नहीं बना और टूट गया। तो सपोर्ट टूटने के बाद देखिए आपका परफेक्ट, मतलब यहाँ से 13 मतलब 1:05 पर आपका कितना बढ़िया, आपके दो ट्रेड बन सकते थे, एक 10:35 पर एक ट्रेड ले लेते और एक 1:05 पर आप ट्रेड ले लेते। इतना बढ़िया सेटअप, इतना बढ़िया, मतलब पूरा मार्केट होता ही, मार्केट अगर आप मार्केट में कुछ गवा रहे हो तो उस आपकी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि मार्केट से हम कुछ अच्छा लेके जाएंगे। लेकिन ट्रेड भी तभी करेंगे जब कोई मार्केट में सेटअप बनेगा। तो मेरे लिए तो यही सेटअप है और सेटअप अच्छा बन गया। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो सब सेटअप बनाते हैं, आराम से सेटअप बनाया, ट्रेड किया, बस काम ख़त्म, इट्स सो सिंपल। और ट्रेड व्यू मैं रिकमेंड करूँगा ट्रेड व्यू। ऐसा नहीं है कि ट्रेड व्यू से हमारा कोई वो आता है, कमीशन आता है,
ट्रेड व्यू इसलिए क्योंकि आप investing.com भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं जिस पर पुराना आपका काम किया हुआ दिखे। जैसे कोई पुरानी ट्रेंड लाइन है आपने खींच दी, तो वो पुरानी ट्रेंड लाइन खींची हुई दिखे ऐसा होना चाहिए। जैसे आज की दिखी, आज की दिखी उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, बस काम बन जाता है। सो ओवरऑल डराया बहुत निफ्टी ने, मतलब ये जो सेकंड सपोर्ट वाला था ये थोड़ा रिस्की ट्रेड था, जो सेकंड सपोर्ट तोड़ने वाला था, लग रहा था कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। ये आईसीआईसी के आज आईसीआईसी बैंक के रिज़ल्ट, मतलब कुछ ऐसी न्यूज़ थी तो न्यूज़ का अच्छा रिएक्शन नहीं रहा, न्यूज़ का अच्छा रिएक्शन नहीं रहा या फिर कोई और चीज़ हो गई, वो सब मुझे नहीं पता। मैं आपको चार्ट पर, चार्ट कैसे रीड किया जाता है, चार्ट एनालिसिस कैसे रीड किया जाता है, ये सब आपको अपनी वीडियो में बता रहा हूँ। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो लाइक करिए, लाइक ना भी करिए चलेगा, सब्सक्राइबर अगर बढ़ते हैं मैं डेफिनेटली आपको खुल के समझाऊँगा, एक एक चीज़ समझाऊँगा और जो जो मैं सीखता हूँ। अभी बैंक निफ्टी मैंने शुरू किया है, अभी मैं 3-4 दिन से बैंक निफ्टी देख रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी मैंने शुरू किया है। और अगर मैं जो है अभी धीमे धीमे मैं सब में जाऊँगा, ऑप्शंस में भी जाऊँगा, कमोडिटी में भी जाऊँगा, करेंसी में भी जाऊँगा, सब में, बट स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं इक्विटी मेरा बढ़िया चलने लगा तो मैंने नेक्स्ट स्टेप बढ़ाया फ्यूचर्स की तरफ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर, बी फ्री टू आस्क।